वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइट एजुकेशन में। गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। 71वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं यहां पर, और इस 71वीं वर्षगांठ पे आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन दबाना भी ना भूलेंगे, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, अगर नोटिफिकेशन जाए नहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको रोज़ सुबह, जी हाँ, यहाँ 10 बजे ये क्लास दी जाती है, जो कि टॉप 45 जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। शाम को आपको जीके की क्लासेस दी जाती है, जहाँ जीके में कल हम लोगों ने देखा था 26 जनवरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे ये आपको करेंट अफेयर की क्लासेस दी जाती हैं, तो ये क्लास भी आप लोग रेगुलर अटेंड करें, रेगुलर क्लास करें, ठीक है, क्योंकि करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन के साथ आपका पीडीएफ भी दिया जा रहा है, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब दोस्तों यहाँ पे आज के इस सिनारियो का, जहाँ पे हम आपसे बात करेंगे उन 45 प्रश्नों के जो कि इस सिनारियो में आपसे पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड ये प्रश्न होंगे, आप भी उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके एग्जाम बिहार दरोगा, रेलवे, एसएससी या एनटीपीसी, किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आने के लिए, तो जरूर इसका आंसर कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा आपके सामने दोस्तों। 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके, जल्दी से उत्तर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, है ना, ऑप्शन आपका सेंटीमीटर में दिया है। तो 1 नैनोमीटर जो होता है, देखिए नैनोमीटर होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, नैनोमीटर होता है दोस्तों लंबाई मापने की एक प्रणाली होती है। क्या है, लंबाई मापने की एक इकाई होती है, एक प्रणाली होती है, ठीक है। इसका मान होता है 1.0, यानी कि 1 लिख लीजिएगा 10^-9, क्या तो मीटर, है ना, ये मीटर में इतना बताया मैंने। तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, तो 10^-7 हो जाएगा, ठीक, ये आंसर नोट कर लीजिएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर होता, देखिए यहाँ पे ऑप्शन मीटर में दिया है, है ना, तो इस चीज़ का ही ध्यान देना है, आपको एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ, अभी मैंने आपको क्या बताया, तो आंसर कर लीजिएगा 10^-9 मीटर होता है ये, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, एम्पियर मापने की इकाई है किसका, एम्पियर से हम लोग क्या मापते हैं, बिल्कुल विद्युत धारा मापते हैं, ठीक है ना, एम्पियर जो है विद्युत धारा मापने की इकाई होती है। यदि किसी चालक तार में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड उतना ही इलेक्ट्रॉन पहले सिरे से घुसेगा और दूसरे सिरे से उतना ही जो है वो बाहर निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड में, ठीक है, तो ये होता है विद्युत धारा, ठीक है, उसको मापता कौन है, एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो कि देखिए मेगावाट क्या है, तो बिजली उत्पादन करने की एक इकाई है जिसको उत्पादित किया जाता है, यानी कि प्रोड्यूस किया जाता है। आंसर क्या करेंगे यहाँ पे, ए कर लीजिएगा, ठीक है। 1 मेगावाट में दोस्तों आपको बता दें, 1 मेगावाट में 10^6 मिलियन वाट होता है, क्या ये मिलियन है ना, मिलियन वाट होता है, ये लिख लीजिएगा आप, ओके, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। क्वेश्चन 5 है कि सुमेलन करना, यहाँ पे चलिए सुमेलित करते हैं इसको पहले, उसके बाद हम कूट देखेंगे, उसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में पूछा गया है, जैसे कि बिहार में बीपीएससी होता है, उत्तर प्रदेश में भी पीसीएस का एग्जाम होता है, तो वहाँ का ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सुमेलित कर लीजिए इसको, देखिए त्वरण जो है दोस्तों यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसको मैच कर सकते हैं आप, ठीक है, इसकी इकाई होती है, भौतिक राशि है त्वरण। और बल को हम लोग न्यूटन में व्यक्त करते हैं, कार्य को हम लोग जूल में व्यक्त करते हैं, आवेग को न्यूटन सेकेंड में करते हैं। तो ये आपका सुमेलन है 4312, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा आपका, नोट कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने लोग यहाँ पे उत्तर सही कर रहे हैं जरूर बताइएगा, मैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना, इसका पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा वाइट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से जाके आप लोग इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से SI, देखिए SI यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, है ना, नहीं बोला गया है। तो देखिए कार्य का जूल होता है, ये तो सही बात है, बल का न्यूटन होता है, ये भी सही है, ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में भी व्यक्त करते हैं हम लोग, ठीक, तो ये तीनों तो सही है, लेकिन दाब जो है यानी कि प्रेशर जो है, इसकी इकाई डाइन नहीं होती है, है ना, इसकी इकाई क्या होती है, तो पास्कल होती है, याद रखिएगा, है ना, मैं बता दिया, ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, है ना, मैं बाद में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
सूची एक और सूची दो को सुमिलित करना है। सही सही, देखिए वाट, वाट जो है दोस्तों यानी कि पावर है ना, वाट यानी कि पावर, तो इसको सुमिलित करना है चार से, शक्ति से, बिल्कुल जूल पर सेकेंड होता है। ओके, और वाट इसको कहते हैं जूल पर सेकेंड को। समुद्री जहाज का जो गति मापा जाता है उसकी इकाई नॉट होता है, इसको मिला दीजिएगा बी से तीसरे को, ठीक। अब नॉटिकल मील जो होता है नौ संचालन के प्रयुक्त दूरी को मापने में यूज होता है, तो ये हमारा इससे मैच हो जाएगा दो से, और कैलोरी तो ऊष्मा से, ये इस तरह का सुमेलन होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, चार तीन दो एक, आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स चार तीन दो एक, आंसर क्या होगा, जी हाँ आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिर से एक सुमेलन का यहाँ पे करना आपको। तो देखिए ये एसआई यूनिट से ही, चैप्टर से है, अभी तक आपके क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, 15 क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स से मिलेंगे, 15 क्वेश्चन रसायन से, और 15 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से यानी कि जीव विज्ञान से, ठीक है। आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, सुमेलन करना है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा फटाफट, आप लोग उत्तर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट पढ़े जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपका उत्तर यहाँ पे आ रहा दोस्तों, देखिए मिलाते हैं इसको पहले तो खुद से, जूल, जूल को हम लोग मिलाएंगे दोस्तों कार्य से, ठीक। अभी मिलाया ऊपर मैंने बताया जूल का कार्य का ऐसा ही मतलब जूल होता है। एम्पियर अभी मैंने बताया है ना, तो एम्पियर को मिला दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे किससे, तो धारा से, ठीक, विद्युत धारा का माप करता है। वाट, तो अभी वाट किसके लिए बताया मैंने आपको, बताइए जल्दी से, जी हाँ वाट जो है ये सामर्थ्य यानी कि शक्ति, ठीक। वोल्ट, कैलोरी तो उष्मा है, और वोल्ट विभवांतर यानी कि, ठीक है, यानी कि वोल्ट यानी कि आपका विद्युत धारा, ये भी है एक विभवांतर होता है जिसको ये मैच करता है। तो कुछ इस तरह का सुमेलन बनेगा आपका यहाँ पे, तो तीन दो तीन एक दो चार पाँच, तीन एक दो चार पाँच, तीन एक दो चार पाँच, आंसर ए हो जाएगा आपका। ओके, मैच कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, कौन सा सुमेलन सही नहीं है, नहीं बोला गया है। देखिए क्वेश्चन कन्फ्यूज करने के लिए आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, और ये आपका यूपी पीएससी पीसीएस में ही पूछा गया है 2010 के मेंस पेपर में। चलिए इसको मिलाइएगा, सही सुमेलन नहीं है इसमें, बता दें आपको कि प्रकाश वर्ष जो है इसको समय मापन की इकाई बताया गया है, जबकि ये दूरी मापन की इकाई होती है, ठीक। आंसर यहाँ पे डी कर लीजिएगा, यही गलत है आपका यहाँ पे सुमेलन। ओके चलिए, कल बताया था मैंने प्रकाश वर्ष के बारे में, ठीक है, प्रजास लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रकाश कर लीजिएगा आप लोग, सुधार लीजिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों कि एंगस्ट्रम इकाई है, किसकी इकाई है, फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल एंगस्ट्रम इकाई है दोस्तों किसकी, तो तरंग दैर्ध्य की, ठीक है। एक एंगस्ट्रम बराबर दोस्तों क्या होता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, 10^-10 मीटर, मीटर में पूछा गया है तो अगर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, और ये पूछा गया आपके एमपी पीसीएस में एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपके बिहार पीसीएस में भी पूछा जा सकता है, या बिहार दरोगा के मेंस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस लेवल के एग्जाम में, तो यहाँ पे बिहार दरोगा के लिए तो पूछा ही जा सकता है, क्यों है कि नहीं। तो आंसर यहाँ पे क्या करेंगे, 746, एक वाट बराबर होता है एक जूल पर सेकेंड, ठीक। तो एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर होता है 746। ओके चलिए वाट, वाट लिखिएगा है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिर से सुमेलन करना है और ये सही उत्तर बताना आपको यहाँ पे। चलिए मिलाते हैं इसको फिर से। चलिए तो यहाँ पे उच्च वेग, उच्च वेग को है मैक, नोट कर लीजिएगा सही है। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम अभी मैंने बताया ऊपर, और प्रेशर यानी कि पास्कल, और ऊर्जा, और इसको जूल में परिवर्तित करता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मैक जो है वो संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष में वस्तु का वेग बताती है, तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात होती है, ठीक। तो इसलिए हम लोग उसको उच्च वेग के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अतः मैक जो है वो उच्च वेग के प्रदर्शित करते हुए इसको प्रयुक्त करता है, और तरंग दैर्ध्य का मापन जो होता है वो एंगस्ट्रम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। ओके तो आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा आपका। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये सी है, ठीक है, चलिए आंसर सी कर लेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे कि पास्कल संबंधित है। तो पास्कल मैंने आपको बताया क्या, दाब से, दबाव से है ना, प्रेशर से। चलिए आंसर यहाँ पे बी कर लेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये क्वेश्चन सारे के सारे आए हुए हैं आपके एग्जाम में है ना, इसलिए छोड़ना नहीं यहाँ पे,
ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और जोड़िए लोगों को, कम से कम मज़ा आना चाहिए आप लोगों को सभी को ये क्यूज़ अटेंड करने में, है ना। और यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप लोग ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि और भी लोग जुड़ सकें और आपको यहाँ पे क्यूज़ का आनंद उठा सकें आप लोग, ठीक है। चलिए, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, आंसर कीजिएगा 1/1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं एक माइक्रोन बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 10^-6 मीटर होता है, कह सकते हैं ना, ठीक। चलिए, अब मिलीमीटर में पूछा गया है तो 1/1000 कर दीजिएगा, ये मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है कितना, बिल्कुल आंसर कर देंगे 10^-4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में पूछा गया है इसलिए आंसर आपका ऐसा होगा, ओके। याद रखिएगा, एक माइक्रोन जो है 10^-6 मीटर होता है, मीटर में अगर पूछे तो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है, और जो मीटर में ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन गलत है यहाँ पे, तो इसका आंसर यहाँ पे बी कर लीजिएगा, सेंटीमीटर में होता है, ओके। चलिए, ये तो क्वेश्चन हो गया आपके आप दोस्तों फिजिक्स से, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन रसायन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है यहाँ पे, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है तो उसको क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली देखिए छत्तीसगढ़ में पूछा गया है, पीसीएस में, उत्तराखंड में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार दरोगा में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या करेंगे आप यहाँ पे, बिल्कुल इसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं, जिसका प्रोटॉन का संख्या तो बराबर होना चाहिए लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एक समस्थानिक कहते हैं, इसको इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आइसोटोप्स कहते हैं इसको, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका, देखिए अभी ये क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, ठीक है, क्या किया गया है, घुमा दिया गया, और ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछ लिया गया है, तो आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों इट्स अ बी, परमाणु भार भिन्न होंगे परंतु परमाणु क्रमांक समान होंगे, उसे भी हम लोग समस्थानिक कहते हैं, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 देखेंगे, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें कि, ऑप्शन यहाँ पे चार है एक्चुअली, चलिए थोड़ा सा मैं जूम इन कर ले, जूम आउट कर देता हूँ, आंसर चारों देखिए आप लोग यहाँ पे आंसर कीजिएगा जरूर से। देखिए, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें कि, जी हाँ, जिसमें कि प्रोटोनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन भी वही है, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है, और ये 41 बीपीएससी के परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है, 96 में, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन है, ऑप्शंस मिस थे यहाँ पे, निम्न में से यहाँ पे पूछा गया है कि समन्यूट्रॉनिक समूह का कौन है, ठीक है। देखिए, ये जो समन्यूट्रॉनिक होते हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, समन्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन कहते हैं इसको, आइसोटोन कहते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, आइसोटोन्स कहते हैं, चूँकि भिन्न भिन्न तत्वों के एवं परमाणु जिनमें कि न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु वे परमाणु जिनकी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए किसकी किसकी समान होनी चाहिए, अगर आप कार्बन की बात करते हैं तो सी, ये इसमें कि अगर इसको हम लोग न्यूट्रॉन की कैसे निकालते हैं तो ये है C14 है, ठीक है, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो ये 8 आएगा, ठीक है, एक तो ये हो गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया C6S C14, ठीक है, 6C14, ठीक। उसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, वहाँ पे बराबर होनी चाहिए, यानी कि 8 ही आना चाहिए। तो एक ऑप्शन में था यहाँ पे दोस्तों नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे 7 और 15 करें यहाँ पे, है ना, 7 और 15 करें तो 15 में से 7 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 15 कर दें, ठीक है, न्यूट्रॉन में, नाइट्रोजन में, ठीक है, तो ये भी 8 हो गया, ठीक है। भिन्न भिन्न परमाणु तत्व भिन्न है, कार्बन था, अब नाइट्रोजन किया, अब एक ऑक्सीजन का ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन में अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो 8 और ये 16 है, तो 16 में से 8 गया 8, तो इसका भी जो न्यूट्रॉनों का संख्या है वो 8 हो गया। तो इस तरह से हम न्यूट्रॉन निकालिए, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 6C14 लिख लीजिएगा इसको, 7N15 और 8O16,
ये जो है एक समिट्रॉनिक समूह का है, ठीक है, ये तत्व, ठीक है ना, याद रहेगा, इसको हम लोग आइसोटोन कहते हैं इंग्लिश में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, आंसर दीजिएगा दोस्तों, इट्स अ गाइगर काउंटर से मापी जा सकती है। गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है, है ना, याद रखिएगा। यह एक प्रकार का क्या होता है, तो कण सूचकांक होता है, ठीक है ना, आंसर हमारा बी हो जाएगा, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा, बिल्कुल अगर आपका उत्तर आ रहा दोस्तों यहाँ पे बेक्यूरेल ने किया था, तो आपका उत्तर सही है, ठीक है, आंसर बी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्तों, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का, आंसर कीजिएगा जल्दी से। यहाँ पे कुछ रासायनिक और भौतिक परिवर्तन जो होते हैं उनका विलय, इसको भी पढ़ना है, आपके सिलेबस में है ही, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है किसका, तो पानी में चीनी का घुलना, ठीक है, इन चार ऑप्शन में से, ठीक है, एक भौतिक प्रक्रिया है, और इसमें क्या हो रहा है, तो कारक को हटा देने से भौतिक प्रक्रिया को भाग लेने वाले पदार्थ जो है वो पुनः परिवर्तित अवस्था में आ जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जल वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, जब जल से वाष्प में, यानी कि जब पानी जो है वाष्प वेपर बन जाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों बी, यानी कि भौतिक प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन मैंने आपको बताया कि वह कारक है जिसमें कि वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, उन्हें हम लोग, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपने फिर से उसी रूप को धारण कर लेती है, यानी कि देखिए वाष्प क्या है, मान लीजिए अगर आपका टेम्परेचर गिर जाए तो वही वाष्प आपका पानी भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह का ये भौतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन रासायनिक का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा गया। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन धमाल, थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट, और क्वेश्चन को देखते ही अपने दोस्तों में शेयर करिए कि उनके लिए यहाँ से इतने अच्छे क्यूज दिए जा रहे हैं, ठीक है। आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना, ठीक है, ये आपका क्या है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे संरक्षण का उदाहरण क्या है, संक्षारण, माफ कीजिएगा यार, संरक्षण लिख दिया गया यहाँ पे, ये संक्षारण है, ठीक है, संक्षारण, संक्षारण का उदाहरण क्या है, तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, क्या करेंगे आंसर, तो उपर्युक्त तीनों, सिल्वर पर काले रंग का परत बनना, तांबे पर काले रंग का परत बनना, और लोहे पर भूरे रंग का परत बनना, ये क्या है, तो संक्षारण का एक उदाहरण है, ठीक। चलिए, जिससे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो डिस्ट्रक्शन कहते हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ पे सारे ऑप्शन भी आपको दिखने चाहिए, ओके। तो देखिए पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, यहाँ पे तीन है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, बर्फ का गलना, या दूध का आस्कंदन, तो आंसर यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ दूध का आस्कंदन जो है ये क्या है, ये क्या है, तो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक। आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे, बी कर लीजिएगा, केवल सी। अगला क्वेश्चन है कि कथन दिया गया है, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक की अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, ये एक कथन है, उसका कारण बताया है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और धूर्त हो जाती है। क्वेश्चन समझिएगा, दूर्त हो जाती है, दूर्त है ना, तो दूर्त होना यानी कि देखिए उच्चतर तापमान पर आणविक गति का तीव्र हो जाता है, ये तो सही है, एक रासायनिक अभिक्रिया गति प्रतिकारकों का सांद्रण ताप भौतिक अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों, ये कथन सही है और इसका कारण भी स्पष्ट कर रहा है इसको, आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे ए कर लीजिएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, बिल्कुल आंसर यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों, ऊष्मा के रूप में, जिनका भी उत्तर बी आ रहा, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें कि, उत्तर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, देखिए साइंस के क्यूज बहुत कम लोग अटेंड करते हैं, है ना, क्योंकि साइंस क्या है ना कि लोगों को समझ में नहीं आता, क्यूज में जीके में मजा आता है कि वहाँ पे आंसर करते रहेंगे, लेकिन साइंस के लोग बहुत कम होते हैं, और ये स्कोरिंग होता है, आप लोगों को नहीं पता है तो बता दें कि स्कोरिंग इतना है कि मतलब इसमें बदलाव हो ही नहीं सकता है ना, कुछ चेंज हो ही नहीं सकता है, ठीक है, जो है सो वही है, प्रूफ किया गया है, इसको प्रूव्ड है ये, तो ये बिल्कुल याद होने वाली चीज़ें हैं, और आप इसको घोल के पी जाइए किसी भी तरह,
है ना, कि कहीं से कुछ क्वेश्चन पूछे तो बस आंसर कर देना उसका। तो पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय पर अचानक ठंडा कर दिया जाता है। आंसर सी कर लेंगे, पाश्चराइकरण है ना संबंधित है, बिल्कुल यहाँ पे आंसर करेंगे 30 का आंसर क्या करेंगे दोस्तों, दूध के निर्जी निर्मीकरण से, ठीक है, जिसको हम लोग पाश्चराइजेशन ही कहते हैं। ठीक है, एक प्रक्रिया है ये जिसमें कि तरल या दूध निर्जमीकरण करने में उसकी भंडारण क्षमता को सुधार किया जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कुछ आएंगे आपको बायोलॉजी से, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 31 का दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे अगर आप लोग यहाँ पे उत्तर कर रहे हैं तो। विटीकल्चर, देखिए कल हम लोगों ने कुछ बायोलॉजी में पढ़े थे दोस्तों, क्या पढ़ा था तो कुछ अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन सारे पूछे पढ़ा था मैंने आपसे पूछे थे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादित होता है। चलिए आंसर जरूर करके जाइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में भी। आंसर यहाँ पे डी कर लीजिएगा, अंगूर। ठीक है, विटीकल्चर यानी कि अंगूरों के उत्पादन को हम लोग अध्ययन जब करते हैं उसे हम लोग किससे संबंधित करते हैं, तो विटीकल्चर से इसके अंदर ही अध्ययन करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, कीट संवर्धन क्या है। आंसर करेंगे दोस्तों, कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है, ठीक है, एक साइंस है, ठीक है, कीटों की वृद्धि करने का। अगला क्वेश्चन, वर्मी कल्चर, ये कल मैंने बताया था प्रयुक्त वर्म होता है, ठीक है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। आंसर करेंगे अर्थवर्म, ठीक है जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट होता है ना जो को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन कहते हैं, उसमें केचुआ का पालन होता है या केचुओं का यानी कि अर्थवर्म, अर्थवर्म कहते हैं केचुए को, के मल से तैयार खाद को ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक, केचुए के मल से यानी कि उसके मल से, ठीक है, आंसर कीजिएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थवर्म। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे जेरोटोक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। जेरोटेक्नोलॉजी जो है दोस्तों ये संबंधित है किससे, तो आंसर कीजिएगा वृद्धि से। किससे, तो देखिए आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जेरोटेक्नोलॉजी जो जेरोटोनोलॉजी है, ये जेरोटोनोलॉजी जीव विज्ञान की वह उपशाखा है जिसमें कि संबंध बूढ़े व्यक्तियों से है, उनकी वृद्धावस्था में उनकी मांसपेशियां का स्थिल हो जाता है, उसके बारे में ये अध्ययन किया जाता है इस जेरोंटोलॉजी के तहत। ओके, याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन कराता है, तो जेनेटिक्स जो है आंसर कीजिए अनुवांशिकता और विचरण के बारे में हमें अध्ययन कराता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि वृद्धावस्था में, देखिए अभी मैंने आपको बताया जेरोंटोलॉजी, जहाँ वृद्धावस्था देखिएगा इसके बारे में बता दीजिएगा जेरोंटोलॉजी, आंसर यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे बी कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, जीर्ण यानी कि वृद्ध, देखिए फिर से याद आ गया वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, 37 थोड़ा सा ध्यान से आंसर कीजिएगा, वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों यहाँ पे जेरोंटोलॉजी, उसी में तो अध्ययन करते हैं सारी चीज़ें इनकी, है ना, मांसपेशियों के बारे में भी सारा स्टडी करते हैं हम लोग। तो पेडोलॉजी, अगला क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी निम्नलिखित वैज्ञानिकों के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा दोस्तों मिट्टी से। ठीक है, आंसर क्या करेंगे, मिट्टी से। आंसर जिनका भी उत्तर आ रहा है बी, बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 39 दोस्तों, यहाँ पे आंसर जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत कीजिए। देखिए लगातार आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप लोगों से सहयोग चाह रहे हैं कि एक लाइक और शेयर कीजिएगा अपने वीडियोज़ के, अपने दोस्तों के ग्रुप्स में भी। ओके, इसका पीडीएफ भी शेयर कर दीजिएगा उनको, ताकि वो घर बैठे पढ़ाई कर सके, जो कि दूर दराज के गाँव में बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, जिनके पास ना तो कोई कोचिंग की सुविधाएँ हैं ना ही कुछ भी सुविधा है कि वो शहर आके पढ़ाई कर सके, तो उनके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा दोस्तों पेडोलॉजी निम्नलिखित में से, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों किसके अध्ययन के बारे में, तो मिट्टी के बारे में, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 की अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। ठीक, देखिए कुछ मैं और बता देता हूँ जिसमें कि हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ते हैं ऑस्टियोलॉजी में। ओरोलॉजी अगर पूछे तो पर्वतों के बारे में, ठीक है, ओरोलॉजी जो है ये अगर पूछे तो पर्वतों के बारे में, पर्वत यानी कि माउंटेन। ओके, और सेरोलॉजी, सेरोलॉजी पूछेगा तो रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं इसको, रुधिर यानी कि खून के जो सीरम होते हैं उसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं क्या, सेरोलॉजी। और जियोलॉजी,
जियोलॉजी तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। जी हाँ, पृथ्वी के आंतरिक संरचना और उसके में पाए जाने वाले पदार्थों के अध्ययन को हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे दोस्तों। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, यानी कि किसके तहत हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, तो सर्पेटोलॉजी आंसर ए कर लेंगे। ठीक, जिनका भी उत्तर ए आ रहा, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से बेमेल का ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए फिजियोलॉजी की अगर बात करें या पैथोलॉजी की और बैक्टीरियोलॉजी की, तो जीव विज्ञान के से संबंधित जितनी भी विद्याएं हैं, जबकि साइकोलॉजी जो कि मनोविज्ञान कहते हैं उससे अलग विद्या है। ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, साइकोलॉजी ये मनोवैज्ञानिक इसमें अध्ययन करते हैं, लेकिन जो बेमेल है इसमें ये तीनों आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे अलग विद्या है ये। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स क्या है ये? बिल्कुल आंसर करेंगे मृदा विहीन पादप संवर्धन। क्या है ये? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि खनिज पोषक तत्वों के विलयन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि वर्तमान में परमाणु के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था लगभग कब? तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको अलग से मिलेंगे, क्योंकि ये बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आया हुआ एग्जाम में ये बीपीएससी में पूछा गया है। तो वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ था? आंसर कर दीजिएगा दोस्तों डी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी पर पुराना जीव कौन सा है? ठीक है, पुराना जीव कौन सा है दोस्तों इनमें से? नील। कौन? जी हाँ, नील हरित शैवाल है ना, ये आपका सबसे पुराना है। ओके, याद रखिए पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर देते ही आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितने उत्तर सही हुए हैं 45 में। ठीक है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये सभी पे आधारित है। ठीक, याद रखिए आंसर डी कर लीजिएगा। यहाँ पे चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के एक जैव विकासवादी वैज्ञानिक थे। इन्होंने डार्विनवाद यानी कि डार्विनिज्म जिसे हम लोग कहते हैं उसके तहत प्रस्तुत किया था। ठीक है, क्या क्या प्रस्तुत किया था? तो ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द वेरिलेंस एंड द सर्वाइल ऑफ द फिटेट, इन पे आधारित है ये उनकी पुस्तकें। ठीक, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। आपने उत्तर कितना सही किया है ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। पीडीएफ आप व्हाइट एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। हैप्पी रिपब्लिक डे।